यदि आप अपने शरीर में महान बल और अद्भुत शक्ति भरना चाहते हो, जिंदगी में हर एक चुनौती से टकराकर उभरना चाहते हो और अपने परिवार, राष्ट्र और खुद के लिए कुछ महान और बड़ा करना चाहते हो, तो ब्रह्मचर्य रूपी अमृत ही आपको वो बल, पराक्रम और हिम्मत दे सकता है। शारीरिक और आत्मिक बल के साथ साथ बौद्धिक बल की प्राप्ति भी ब्रह्मचर्य से ही होती है। इसलिए ब्रह्मचारी यानी जो ब्रह्मचर्य का दृढ़ता व निष्ठा पूर्वक पालन करता है, वह कठिन, सूक्ष्म और गहनतम विषयों को भी आसानी से समझ लेता है, वह उन्हें जल्द ही याद कर लेता है। लेकिन लोगों में ब्रह्मचर्य को लेकर काफी भ्रांतियां है। किसी को लगता है कि सिर्फ वीर्य की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है, कोई कहता है कि सिर्फ ऋषि मुनि ही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते थे, और अधिकतर लोग इसी बात पर अटके हुए हैं कि शादी न करना ब्रह्मचर्य है, वह कलयुग में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचर्य पालन का सही सही मतलब समझ आ जाएगा, और आपके मन में ब्रह्मचर्य को लेकर जो भी सवाल है उन सभी का जवाब आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्वागत है आपका महात्मा फिटनेस पर। तो चलिए आज की इस खास वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के मूल या सही अर्थ को जानने के लिए हमें ब्रह्म और चर्य शब्द के अर्थ को जानना होगा। ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म प्लस चर्य। ब्रह्म के चार मुख्य अर्थ होते हैं, पहला ईश्वर, दूसरा वेद, ज्ञान और वीर्य। चर्य के चार मुख्य अर्थ होते हैं, पहला चिंतन, दूसरा अध्ययन, उपार्जन और रक्षण। इस तरह ब्रह्मचर्य के चार अर्थ होते हैं, पहला ईश्वर चिंतन, दूसरा वेद अध्ययन, तीसरा ज्ञान उपार्जन, चौथा वीर्य रक्षण। पहला ईश्वर चिंतन। ईश्वर चिंतन का अर्थ है ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना, ईश्वर के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना कि ईश्वर ने हमें ये मनुष्य जीवन दिया है, और हम उस परम पिता परमेश्वर को साक्षी मानते हुए संकल्प लेते हैं कि कभी भी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करेंगे, अपनी जननेन्द्रियों से कुचेष्टा नहीं करेंगे। दूसरा वेद अध्ययन यानी ईश्वर प्रदत्त चारों वेदों से मिली विद्या का स्वाध्याय करना एवं ऋषिकृत वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना और उनसे मिले सिद्धांतों को जीवन में धारण करना, वह हमारे महापुरुषों के गुण, कर्म, स्वभाव को अपने जीवन में धारण करना और अपने जीवन को उत्कृष्ट व उज्जवल बनाना। तीसरा ज्ञान उपार्जन। ज्ञान उपार्जन यानी आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, उस फील्ड में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बढ़ाना है, वह निरंतर ज्ञान का उपार्जन करना है यानी अपनी ज्ञान या नॉलेज को बढ़ाना है। चौथा वीर्य रक्षण यानी इस अमूल्य धातु वीर्य की रक्षा करना, ना कि इसे विषय वासना और हस्त मैथुन आदि में बहाना। इसलिए दोस्तों, महर्षि धन्वंतरी जी कहते हैं कि जो मनुष्य श्रेष्ठ संतान चाहता है वह सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करे। यानी जो व्यक्ति इस जीवनी शक्ति वीर्य को राष्ट्रभक्त, संस्कारी व चरित्रवान संतान को जन्म देने के लिए खर्च करता है, वही व्यक्ति विवाह के बाद यानी गृहस्थ में भी होते हुए ब्रह्मचारी के समान है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती और हमारे अन्य सभी ऋषि मुनियों ने विवाह के बाद गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य पालन की बात की है, क्योंकि विवाह तो एक अत्यंत शुद्ध एवं पवित्र संबंध है जो भोग विलास के लिए नहीं अपितु आत्मिक उन्नति व आत्मिक आनंद के लिए है। हमें इसके महत्व को समझना चाहिए। तो अब से आप जब भी ब्रह्मचर्य शब्द बोले तो ब्रह्मचर्य से ईश्वर चिंतन, वेद अध्ययन, ज्ञान उपार्जन और वीर्य रक्षण, इन चारों का भाव एकदम आपके हृदय में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो वीर्य का रक्षण करता है उसी के पास ज्ञान उपार्जन करने का सामर्थ्य होता है, वही वेद अध्ययन कर सकता है और वही ईश्वर चिंतन करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए दोस्तों, वीर्य का हमारे शरीर में बहुत महत्व है। जो हम भोजन खाते हैं उसका जो सार होता है वह वीर्य होता है। भोजन के बाद रस बनता है, रस से रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा और अंतिम में सातवीं धातु वीर्य बनती है। इसलिए दोस्तों, ब्रजेंद्र आर्य जी अपनी योग लहरी पुस्तक में कहते हैं, बल का हो अद्भुत भंडार, कर लो ब्रह्मचर्य से प्यार, ऋषि मुनि योगी ये है शिक्षा, कर लो ब्रह्मचर्य की रक्षा, यह संजीवनी विद्या पाओ, मनुष्य जीवन सफल बनाओ। तो दोस्तों, ब्रह्म का आचरण अर्थात महानता में विचरना या महान होना ही ब्रह्मचर्य है।
जीवन को महान बनने के मार्ग पर डाल देना, शक्तियों का संग्रह करना, उन्हें बिखरने न देना, उन्हें अपनी उन्नति में लगाना ही ब्रह्मचर्य है। जब श्री कृष्ण विवाह के बाद गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो श्री कृष्ण की धर्म पत्नी रुक्मणी श्री कृष्ण जी से कहती है कि हे आर्य, मुझे आप ही की तरह एक पुत्र चाहिए, इसके लिए चाहे मुझे कितनी ही तपस्या क्यों न करनी पड़े। तब श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं कि हे देवी, यदि तुम मेरे जैसा पुत्र चाहती हो तो हमें 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा से पूर्ण पालन करना होगा, तभी हम एक महान और उज्जवल संतान को जन्म दे सकते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य की तपस्या के बाद एक पवित्र आत्मा प्रद्युमन को जन्म देते हैं, जो कि श्री कृष्ण जैसे ही गुण कर्म स्वभाव जैसा होता है, और प्रद्युमन भी एक अखंड प्रचंड बाल ब्रह्मचारी के समान होता है, और वह ऋषियों द्वारा बताए गए ब्रह्मचर्य के सभी नियमों का श्रद्धा से पालन करता है और अपने जीवन को उत्कृष्ट व चरित्रवान बनाता है। ये है ब्रह्मचर्य की ताकत। इसलिए हमें ब्रह्मचर्य के महत्व को अपने जीवन में धारण करना चाहिए और इसे समझना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी लोग ब्रह्मचर्य के महत्व को जानकर अपने शरीर में शक्ति, क्रियाशीलता, तत्परता, उत्साह, ओजस्विता और सहनशीलता को बढ़ा सके। वह ब्रह्मचर्य की महिमा और इसके रहस्य को जानकर इसका पूर्ण लाभ उठा सके और अपने जीवन को भी हमारे महापुरुषों, ऋषियों और क्रांतिकारियों की तरह उज्जवल और चरित्रवान बना सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाइए। वंदे मातरम, हर हर महादेव।